Please click on subscribe button to subscribe my channel for latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम एम एस वर्ड 2019 के अंदर रिव्यू व्यू पढ़ेंगे। और रिव्यू के टैब में आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो उसकी रिवीजन करनी है, उसको रिवाइज करना है, तो आप रिव्यू में कर सकते हैं। रिव्यू के टैब में सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर है, तो यहाँ पर अगर इनकेस आप स्पेलिंग की कोई मिस्टेक करते हैं तो पहले वो ऑटोमेटिकली दुरुस्त कर देगा, अदरवाइज ये रेड लाइन देगा। लेकिन ये याद रखें कि ये जो रेड लाइन देगा ये सिर्फ वो वर्ड रेड देगा जो इंग्लिश की डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। उर्दू का वर्ड आप जो लिखेंगे वो अगर रेड देते हो तो इस मीन ज़रूरी नहीं कि उसके स्पेलिंग की मिस्टेक हो, वो इंग्लिश की डिक्शनरी में मौजूद नहीं होगा, दैट्स वाई। तो इसलिए स्पेलिंग ग्रामर में जाएँ तो ये आपको सजेशन दे देगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं तो वो ठीक हो जाएगी। इसका ग्रामेटिकल मिस्टेक बी आप ठीक कर सकते हैं, मैं लिखता हूँ अली आर अ गुड बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय होता है तो इसको ये ग्रामेटिकल मिस्टेक इज़ लगना चाहिए, तो इसको यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा, वैसे इस सजेशन इसको देनी चाहिए। इसी तरह इसी के अंदर आप कोई वर्ड लिख के फॉर एग्जांपल गुड है तो थीसिस में इसको इसका जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है वो हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डिसेंट कहा जाता है, सूटेबल है, या थीसिस में भी हम इसमें इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट की, तो वर्ड काउंट आपको जितने भी वर्ड्स हैं करेक्टर हैं पूरी डॉक्यूमेंट की आपको स्टेटिस्टिक बताएगा। यहाँ पे आप क्लिक करें तो कितने पेजेस, कितने वर्ड्स, कितने करेक्टर नो स्पेस, कितने करेक्टर विद स्पेसेस के साथ, कितने पैराग्राफ और कितनी लाइंस आपने यूज़ की हैं, उसकी सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरह रीड अलाउड के ऑप्शन है, तो रीड अलाउड में आप जो है जो भी लिखेंगे उसको अलाउड रीड कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास चेक एक्सेसिबिलिटी है, तो ये भी फीचर आप वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है अभी नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड इसमें वो दे रहे थे, वो कोई इशू हो वो भी आपको बता देगा। ये एक नया फीचर नेट की है, ट्रांसलेट किया जा सकता है, ट्रांसलेट सिलेक्शन आपने यहाँ पे करनी है। इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेजेस हैं, तो सेट प्रूफ लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही होती है, तो नई लैंग्वेज ऐड करनी हो वो ऐड की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो उर्दू लिखने के लिए आपको फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो मैं उर्दू का फोनेटिक कीबोर्ड कर दूँ तो मैं उर्दू में लिख सकता हूँ, लेकिन इसका फॉन्ट जो है वो भी अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसका जो फॉन्ट है वो भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, वो जमील नूरी नस्तली ये फॉन्ट किया हुआ था, इसमें इसके मुताबिक आ जाते हैं। तो ये इस तरह आप उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं, सारा लिख सकते हैं। इसी तरह कमेंट वगैरह दिए जा सकते हैं, इसी तरह आप कुछ भी लिखें तो ये उसके लिए डिटेल्स वगैरह जो भी आप एकदम भी ये पैराग्राफ हम ले लेते हैं तो कमेंट्स आपने शो करने हो तो न्यू कमेंट में उसके बारे में इस तरह कोई भी डिटेल ऐड की जा सकती है। मोर देन वन कमेंट्स भी दिए जा सकते हैं, और डिलीट करना हो कमेंट तो डिलीट भी किया जा सकता है, और नेक्स्ट और प्रीवियस कमेंट पे भी हम जा सकते हैं, और बाकी कमेंट को शो या ऐड भी किया जा सकता है। बाकी ट्रैक चेंजेस में आप इसको ऑन करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जो जो चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ ऐड हो रही है या चेंज हो रहा है, तो वो ट्रैक चेंजेस में शो होता जाएगा। उसको ऑप्शंस होती हैं कि आप किस तरह शो करना चाहते हैं, ऑल मार्कअप के साथ या नो मार्कअप के साथ या ओरिजिनल, तो वो उस तरह शो करेगा, ये ट्रैक चेंजेस ऑन होने की वजह से है। इसी तरह जो जो आपने शो करना है उसको चेक लगा दें, अदरवाइज वो शो नहीं होगा। रिव्यूइंग पैन में आपने जो इंसर्ट किया, जो डिलीट किया, जो मूव किया, उसकी सारी रिविजन की डिटेल्स यहाँ पर साइट पे आपको मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये सारी चेंजेस आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज रिजेक्शन पे ये सारा कुछ बैक हो जाएगा, हम रिजेक्ट कर लेते हैं।
तो प्रीवियस नेक्स्ट पे जा सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स, दो डॉक्यूमेंट्स ओपन करके, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट और ये सेकंड डॉक्यूमेंट हमने ले लिया, अब ये दो डॉक्यूमेंट्स का आपस में कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो इसी तरह ये दोनों एक साथ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी हो जाती हैं उसका कंपैरिजन करने के लिए, और कंबाइन भी कर सकते हैं, और इसी तरह रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड वगैरह लाके हाइडिंग वगैरह इसकी जो वो भी कर सकते हैं, इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। और व्यू में आपके पास रीड मोड है, रीड मोड में आप डॉक्यूमेंट को रीडिंग मोड में पूरी डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं। वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट है, इसी तरह आउटलाइन और ड्राफ्ट का व्यू है। तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं जो आप व्यूज में देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास इमर्सिव रीडर के ऑप्शन इन्होंने ऐड किया न्यू, तो ये इस तरह आप इसकी सेटिंग्स भी करके और इस तरह रीड भी कर सकते हो। ये नया फीचर है, इसको आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसमें रीड अलाउड भी है, टेक्स्ट स्पेसिंग भी है, लाइन फोकसिंग भी है, और कलर भी आप दे सकते हैं पेज का, और कॉलम विड्थ वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। और इसी तरह ग्रिड लाइन, ये तो आपके वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली भी आप इस तरह इसको कर सकते हैं पेज को रीडिंग के लिए। फिर इस तरह रूलर और ग्रिड लाइन ऑन करनी हो, ये नेविगेशन पैन है, जूम आप ऑन कर सकते हैं, जूमिंग 200 कर सकते हैं, 100, वन पेज या मल्टीपल पेज कर सकते हैं, पेज की विथ के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मल 100 ही होती है, और नई विंडो ले सकते हैं। अब इसी तरह की एक और विंडो आ गई, अब ये दो विंडोज़ हैं, मोर देन वन विंडोज़ भी हम ले सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं, एक ही विंडो को दो हिस्सों में करना, नीचे रूलर आ जाएगा। रिमूव स्प्लिट भी कर सकते हैं, व्यू साइड बाय साइड भी हो सकते हैं, आप साइड बाय साइड व्यू कर लें, और इसी तरह डॉक्यूमेंट वन से डॉक्यूमेंट टू पे जंप करना हो, और मैक्रोज में हम रिकॉर्ड मैक्रो में कोई चीज़ जो बार बार आप लिखते हैं उसको रिकॉर्ड कर लें, उसकी शॉर्टकट दे दें, असाइन कर लें। तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, मैं पाकिस्तान या कुछ भी लिखता हूँ, तो ये इसमें रिकॉर्ड होगा, जब तक तो मैं स्टॉप नहीं करता उस शॉर्टकट पे यही जो रिकॉर्ड करने को वो मिल जाएगा। व्यू मैक्रो में इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हेल्प वगैरह आपको चाहिए हो तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्कैन पे आपने एक छोटा सा टास्क बनाना है, CV टास्क, वो आपको बता देते हैं। तो आपने नेटवर्क में जाके स्टूडेंट टास्क में वो टास्क है, टीचर अकाउंट में टास्क में, ऑफिसर एडमिशन में CV टास्क, तो आपने ये CV बना देने पूरे वर्ड से। तो ये आपका फाइनल टास्क है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड 2019 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एमएस एक्सेल 2019 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।